जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जहाँ पे आपका मस्तिष्क भी सही निर्णय लेने में असमंजस में पड़ जाता है। तब आपको अपने अंदर आत्मा से निकलने वाले आवाज़ को ही पहला महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही जो आवाज़ होती है यही आपका सबसे सही निर्णय होती है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की कि वो लोग जो लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी कर जाते हैं, या वो लोग जो सही ढंग से निर्णय नहीं लेते हैं, या सही डिसीज़न या सही निर्णय कैसे लें, ये कहानी उसके बारे में बताती है। तो दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत एक ऐसे आश्रम में होती है जहाँ पर एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और वहाँ उन्हें वो सच्चरित्रता और अच्छा जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में पढ़ाते थे। एक दिन की बात है कि वो गुरुदेव अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा इस बारे में बताऊंगा। सारे शिष्य प्रसन्न हो जाते हैं कि आज वास्तविक उदाहरण के द्वारा हम इस चीज़ को सीखेंगे कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। तो उनके गुरुजी बाहर जाते हैं और वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति को अंदर बुलाते हैं और अपने शिष्यों के सामने लाकर कहते हैं कि क्या हो यदि तुम्हें एक बड़ा सा थैला मिल जाए जिसमें सैकड़ों सोने की सिक्के हों। वह व्यक्ति एक पल के लिए रुकता है और फिर कहता है कि मैं वो सारे सिक्के उठा लूँगा। सबसे पहले मैं उसकी खोज करूँगा जिस व्यक्ति के ये सिक्के हैं, और यदि मुझे वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तो फिर मैं राजा के जो राजकोष होता है वहाँ पर जाकर इसको दे दूँगा ताकि राज्य का इसके लिए उपयोग हो सके। उसके जाने के बाद जो शिष्य के सामने उनके जो गुरु रहते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति मूर्ख है। अब सारे शिष्यों के बीच अजीब सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने गुरु के मुंह से बस ये सुना था कि हमें किस तरह अच्छे से जीना है, कैसे ईमानदारी से जीना है, क्या अच्छा कार्य होता है। लेकिन आज हमारे गुरु ने ये बात कही कि ये व्यक्ति जो कि ये कह रहा है कि धन को उसके मालिक को दे देगा या राजा को दे देगा, आज ये मूर्ख कैसे हो गया। अभी वो आश्चर्य से भर ही रहे थे कि उनके गुरु ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उसके सामने भी यही प्रश्न किया कि यदि तुम्हें सोने से भरा बहुत बड़ा थैला मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं करूंगा क्या, जैसे ही मैं उस सोने के सिक्कों को बैग को मुझे मिलेगा मैं वैसे ही उन्हें लेकर अपने पास रख लूँगा और उन्हें जाकर छुपा दूँगा ताकि वो सिर्फ मेरे पास रहें और मैं उनका अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकूँ। अब उनकी ये बात सुनकर सारे शिष्य हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना लालची है। और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो उनके गुरु कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो शैतान है। अब इस बात को सुनने के बाद सारे शिष्य फिर यही सोचते हैं कि यदि ये शैतान है तो पहले वाला इंसान मूर्ख क्यों था, क्योंकि उसने तो सारी सही बातें कही थी। इसके बाद उनके जो गुरु रहते हैं वो फिर बाहर जाते हैं और एक तीसरे व्यक्ति को बुला कर लाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि यदि तुम्हें एक बड़ा सा सोने का थैला मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज ये बड़ा मुश्किल है कि उन परिस्थितियों में उस समय मैं क्या निर्णय लूँगा, क्योंकि जो हमारा ये जो दिमाग है वो हर वक्त हर परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यदि सुख है तो हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि हम बहुत दुखी हैं, बहुत गरीब हैं, तो शायद उन परिस्थितियों में हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। कोई भी ये नहीं जानता कि जो आपका दिमाग है वो आपको कब ठग ले, लेकिन यदि ईश्वर की मुझ पर दया रही और मेरी बुद्धि नहीं फिरती है तो मैं निश्चित रूप से उस थैले को उस व्यक्ति को लौटाने का प्रयास करूँगा जिसका वो थैला था। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही व्यक्ति सच्चा था, क्योंकि इस व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास था कि यदि वो अपने सारे निर्णय ईश्वर पर भरोसा कर कर
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ करता है तो निश्चित रूप से उसका लिया हुआ कोई भी निर्णय कभी भी गलत नहीं होगा।